गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बी टू गेट मीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। मेरा नाम है रूपल और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाती हूँ ऑन मेकअप, स्किन केयर, प्रोडक्ट रिव्यूज एक्सेट्रा। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ कंटेंट्स, प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल और पास वाले बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालू तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ जूसी केमिस्ट्री की दो बहुत ही पॉपुलर लिप प्रोडक्ट्स की। एक है ब्लड ऑरेंज एंड रोज हिप लिप बाम और एक है ब्लड ऑरेंज एंड रोज हिप लिप स्क्रब। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स स्पेशली फॉर्मुलेट किया गया है पिगमेंटेड लिप्स के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम दे ऑल्सो हील एक्सट्रीमली ड्राई एंड चैप लिप्स। तो पहले जो जूसी केमिस्ट्री ब्रांड है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। तो जूसी केमिस्ट्री इज अ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक इंडियन स्किन केयर ब्रांड और उनके जो सारे प्रोडक्ट्स है वो वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इनके जो प्रोडक्ट्स है उनमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किया जाता, प्लस दे आर फ्रेग्रेंस फ्री, जीएमओ फ्री, सल्फेट फ्री एंड दे कंटेन नो डाइज और पेट्रोकेमिकल्स। तो वापस आते हैं प्रोडक्ट्स पे और पहले मैं बात करना चाहूंगी उनके जो लिप स्क्रब है उसके बारे में। नाउ लिप स्क्रब इज समथिंग व्हिच इज डेफिनेटली नॉट अ नेसेसिटी इन स्किन केयर और अगर आप चाहते हैं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन इफ यू आर समवन जो लिप स्क्रब यूज करते हैं या फिर ट्राई आउट करना चाहते हैं देन आई थिंक दिस लिप स्क्रब इज वन ऑफ द बेस्ट लिप स्क्रब दैट यू कैन ट्राई आउट। और मैं ये कह रही हूँ ये जो लिप स्क्रब है इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसको देखते हुए। ऑफ कोर्स आई हैव ट्राइड दिस लिप स्क्रब ऑन माय सेल्फ एंड आई डेफिनेटली लव द प्रोडक्ट, लेकिन इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है ना दैट ऑलवेज टेक्स अवे द लाइमलाइट। इस स्क्रब की जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है शुगर और इसके साथ साथ इसमें है शिया बटर, स्वीट आलमंड ऑयल, ब्लड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल जो यूज किया गया है विद इन परमिटेड लिमिट्स, प्लस इसमें है बीज वैक्स, रोज हिप ऑयल, राइस पाउडर, एप्रिकॉट कर्नल ऑयल एंड विटामिन ई। तो आप देख सकते हैं कि सारी जो इंग्रेडिएंट्स है वो डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए ही फेमस है। पैकेजिंग की बात करें तो इसका जो आउटर पैकेजिंग है वो है एक छोटा सा कार्डबोर्ड बॉक्स जिसके अंदर आपको मिलता है एक ग्लास टब और उसके अंदर है प्रोडक्ट। ये जो पैकेजिंग है ये काफी लाइट वेट पैकेजिंग है एंड इट इज ऑल्सो वेरी ट्रैवल फ्रेंडली। द टोटल वेट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 10 grams एंड द प्राइस इज ₹350। इसकी जो टेक्सचर है वो बिल्कुल बटरी टाइप है विद टाइनी शुगर ग्रैन्यूल्स। वैसे तो ये काफी माइल्ड स्क्रब है लेकिन फिर भी इसको लेके स्क्रब करते वक्त यू हैव टू बी वेरी वेरी जेंटल टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ माइक्रो कट्स। नाउ द बेस्ट मेथड टू यूज दिस प्रोडक्ट जो मैं फॉलो करती हूँ और मुझे काफी अच्छा फायदा मिलता है उससे वो ये है कि पहले मैं थोड़ा सा थिक लेयर में इस प्रोडक्ट को अपने लिप्स पर एज अ पैक अप्लाई करके रखती हूँ फॉर 10 minutes। अब इससे क्या होता है, इससे मेरे लिप्स के जो अपर लेयर में जो डेड स्किन सेल्स है वो बिल्कुल लूजन अप हो जाता है। अब 10 मिनट के बाद मैं इस फिंगर से बहुत ही जेंटली अपने लिप्स को 30 seconds तक स्क्रब करती हूँ और उसके बाद मैं एक छोटा सा कॉटन लेके या फिर आप हैंड भी ले सकते हैं उससे मैं वो जो प्रोडक्ट है उसको वाइप कर देती हूँ एंड इंस्टेंटली यू नो योर लिप्स विल फील रियली सॉफ्ट एंड क्लीन क्योंकि उसके ऊपर के जो डेड स्किन के जो लेयर है वो बिल्कुल निकल जाते हैं। और ये जो फुल प्रोसेस है मैं इसको वीक में एक बार करती हूँ। आप अगर चाहते हैं तो मैक्सिमम आप वीक में 2 बार इसको यूज कर सकते हैं। अब स्क्रबिंग के बाद आपको अपने लिप्स पर अप्लाई करना है लिप बाम एंड सेम सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दैट ब्लड ऑरेंज एंड रोज हिप लिप बाम। सो दिस इज द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। सेम आउटर पैकेजिंग है एक छोटा सा कार्डबोर्ड बॉक्स जिसके अंदर आपको मिलता है सेम एक ग्लास का टब और ये बिल्कुल एक ओपेक ग्लास बॉटल है और इसके अंदर है ये प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की वेट है 5 grams और इसका प्राइस भी है ₹350। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफी थिक है और इसीलिए आपको इसको बहुत ही कम अमाउंट पे अप्लाई करना है स्पेशली दिन के टाइम। रात को आप इसको थोड़े से ज्यादा अमाउंट पे लगा सकते हैं। इनफैक्ट कभी कभी मैं क्या करती हूँ, मैं इसको मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में एक थिक लेयर में अपने लिप्स पर अप्लाई करती हूँ एज अ मास्क, एज अ स्लीपिंग मास्क और फिर मैं सो जाती हूँ तो सुबह ना उठ के माई लिप्स फील रियली सॉफ्ट एंड सपल। जो स्मेल है इन दोनों प्रोडक्ट्स की वो बहुत ही डिलिशियस फ्रूटी ऑरेंज स्मेल है, लेकिन दोनों ही प्रोडक्ट्स में अलग से कोई भी फ्रेग्रेंस यूज नहीं किया गया है। जो एसेंशियल ऑयल इसमें यूज किया गया है ये जो फ्रेग्रेंस
है वो उसी से आता है। कंसिस्टेंसी मैंने इसका बता ही दिया है कि काफी थिक कंसिस्टेंसी है एंड दैट इज बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज अ ब्लेंड ऑफ मेनी मेनी वेरी वेरी बेनिफिशियल ऑयल सच एज एप्रिकॉट कर्नल ऑयल, कैस्टर सीड ऑयल, रोज हिप ऑयल, होहोबा ऑयल, रास्पबेरी सीड ऑयल। इसके साथ साथ इसमें है बीज वैक्स, विटामिन ई, कोको सीड बटर एंड ब्लड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। नाउ दिस प्रोडक्ट इज सो नरिशिंग, सो मॉइस्चराइजिंग कि अगर सुबह आप इसको एक बार लगाओगे एंड इन केस यू नॉट ड्रिंकिंग और ईटिंग एनीथिंग एंड देयर इज नो चांस फॉर द प्रोडक्ट टू मूव, देन दिस इज गोइंग टू लास्ट यू फॉर लाइक द होल डे। आपको बार बार इसको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, एटलीस्ट मेरे केस में तो यही होता है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की और वो ये है कि ये दो जो प्रोडक्ट्स है वो लिप पिगमेंटेशन को रिमूव कर पाता है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जो अपर लिप्स है उसमें थोड़े से पिगमेंटेशन है और जिसका रीजन हो सकता है, जो मुझे लगता है वो ये है कि एक तो है वो लैक ऑफ हाइड्रेशन एंड द सेकंड रीजन इज देयर वाज अ टाइम जब मैं काफी ज्यादा लिप सक करती थी, सो मे बी फॉर दैट रीजन। तो मेरे जो पिगमेंटेशन है वो काफी पुराना है और कोई भी पुराना दाग हो, पिगमेंटेशन हो, उसको रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो मैं ये जो प्रोडक्ट्स है वो बस 2 हफ्ते से यूज कर रही हूँ, सो इट इज वेरी अर्ली टू कमेंट ऑन द एंटी पिगमेंटेशन टॉपिक। तो मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को थोड़े से ज्यादा टाइम देना चाहती हूँ, एटलीस्ट 2 महीने तक मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को रिलीजियसली यूज करूंगी और उसके बाद आई थिंक आई विल मेक एन अपडेटेड रिव्यू वीडियो जहां पर मैं आपको ये जो एंटी पिगमेंटेशन है उस टॉपिक में मैं बात करूंगी। अभी इट इज टू अर्ली टू नोटिस एनी चेंज और मुझे ऐसा कोई चेंज दिखाई भी नहीं दिया जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। सो गाइस टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से कि अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को एज अ लिप किट खरीद के यूज करना चाहते हैं देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई देम आउट, लेकिन अगर आप किसी एक प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं देन आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस लिप बाम क्योंकि ये बहुत नरिशिंग है, बहुत मॉइस्चराइजिंग है। दिस इज जस्ट द परफेक्ट लिप बाम फॉर द विंटर्स, देयरफॉर आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव दिस प्रोडक्ट अ ट्राई। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया हो और आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। इफ यस प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स। आई विल मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।